हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ स्पेशल ड्राइंग ड्राइंग राइट्स राइट्स या यूजेस ऑफ स्पेशल के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं ये डिस्कस करेंगे इस, इस इस्तेमाल जो इसके होते हैं यूजेज इसको डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नंबर वाइज चेक करेंगे तभी समझ आएगा चैप्टर चलिए शुरू करते हैं एस इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट विच इज हेल्ड इन स्पेशल अकाउंट ये जो एस डी आर है स्पेशल इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट एक ऐसी करेंसी मानी जाती है जो कि आई एम एफ के एस डी आर अकाउंट में पड़ी होती है हर एक कंट्री की और कितनी पड़ी होती है जितना उसे कोटा एलोकेट हुआ है एस डी आर आर यूज एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट बाय फंड मेंबर्स टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ज्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है जिसके भी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाते हैं वो अपने एस डी निकाल के जिस कंट्री को पैसे देने होते हैं उस कंट्री को उतने वैल्यू के एस दे देती है द थ्री मेन यूजेज ऑफ एस डी आर आर नंबर वन ट्रांजेक्शन बाय एग्रीमेंट इसके अंडर क्या आ जाता है फंड अलाउज द सेल ऑफ एस डी आर फॉर करंसी बाई एग्रीमेंट विद द अदर पार्टिसिपेंट्स तो फंड अलाउ करता है कि आप किसी और को सेल कर सकते हो ये एस डी आर जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है सिंपल वर्ड में द फंड अलाउज सेल सेल तभी अलाउ करेगा एस डी आर की करेंसी के बदले कि मान लो करंसी कम पड़गी तो किसी और को बेच के डॉलर लेने है या कोई और करेंसी लेनी है जब उन पार्टिसिपेंट्स में अग्रीमेंट होगा विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजेक्शन विद जनरल अकाउंट एस आर आल्सो यूज्ड इन ऑल ट्रांजैक्शंस विद द जनरल अकाउंट ऑफ द फंड बेसिकली जो जनरल अकाउंट है उसमें सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं मान लो अमेरिका को पैसे देने हैं मगर डॉलर नहीं है तो एसडीआर दे सकते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जनरल ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी जनरल अकाउंट के थ्रू हो सकती है थर्ड आ जाता है ट्रांजेक्शन पोजिशन टू प्रोवाइड करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ एस डी आर टू एनी अदर पार्टिसिपेंट नीडिंग इट्स करेंसी तो होगा क्या आई एम एफ एक पार्टिसिपेंट को डेजिग्नेट कर देगा कि भाई ये फलाफिला कंट्री है इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत स्ट्रॉग है अगर आप चाहो तो करंसी लेने के लिए इस इस कंट्री को अपना एस बेच सकते हो ठीक है ताकि उससे करेंसी लेके किसी और कंट्री को देना है तो वो आ, कंट्री को हम दे सकें पैसे ठीक है पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू एक्सेप्ट एस डी आर एज लॉन्ग एज देयर होल्डिंग इज लेस देन थ्री टाइम्स देयर टोटल एलोकेशन आप तब तक कोई भी कंट्री तब तक एस ले सकती है जब तक उसकी एलोकेशन थ्री टाइम्स नहीं हो जाती अगर थ्री टाइम्स से ज्यादा होगी फिर उसको एलोकेशन लेना बंद करना पड़ेगा समझ गए बात मतलब फिर एस वो खरीद नहीं पाएगी किसी और कंट्री से समझ गए इससे तो इनक्वालिटीज बिटवीन कंट्रीज बढ़ती रहेंगी ऐसे तो अमेरिका 80 परसेंट एसडीआर खरीद के बैठ जाएगा समझ गए बात इन एडिशन टू द अब थ्री मेन यूजेस द फॉलोइंग एडिशनल यूजेस ऑफ एस डी आर हैज लेड डाउन इन द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल हम क्या कर सकते हैं स्वैप करा सकते हैं किसी कंट्री से हम कोई सामान ले लें उसके बदले स्वैप एग्रीमेंट के बदले उसने एस डी आर दे दें फॉरवर्ड ऑपरेशन के भाई फला फलां कंट्री में ये आगे आने वाले टाइम में इतना काम करना है और ऐसे ऐसे फॉरवर्ड कंपनियां चलेंगी या फॉरवर्ड ही इतना माल मुझे दे दो मैं आने वाले टाइम पे तुम्हें पेमेंट कर दूंगा फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं लोन्स की टर्म में एसडीआर का एक्सचेंज किया जा सकता है इन द सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन किसी भी कंट्री को पैसे देने हैं या फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन हैं ठीक है तो दिया जाता है एज सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन कि हमने किसी भी कंट्री से लोन लिया है मगर उसकी सिक्योरिटी देनी है गारंटी देनी है या कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की सिक्योरिटी देनी है उस बदले भी एस को जमा कराया जा सकता है फ्लां फ्लांक कंट्री को इन डोनेशन और ग्रांट्स डोनेशन में भी दी जा सकती है अभी जैसे कई कंट्रीज में बाढ़ आई है पाकिस्तान में बहुत बाढ़ आई है इंडिया में भी काफी आई है मगर पाकिस्तान में हालात ज्यादा खराब है तो क्या पता कोई और कंट्री एस डी की फॉर्म में पाकिस्तान को ग्रांट्स वगैरह दे दे समझ के बाद द इंटरेस्ट Is paid by the fund on all holdings of SDRs which are kept in special drawing accounts and charges interest at the same time on allocation. टू पार्टिसिपेंट्स तो सिंपल वर्ड्स में आपके आ, किसी भी कंट्री के अकाउंट में जितना भी एसडीआर पड़ा होगा उसके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और अगर वो यूज करता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा समझ समझिए बात तो ये थे यूजेज ऑफ एसडीआर नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा मेरिट्स ऑफ एसडीआर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर बाय